और अब बात करते हैं बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की, जिनकी तारीफें हो रही हैं पार्टी के अंदर। बीजेपी महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने बतौर बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह के कार्यकाल को बेहतरीन बताया है और ये भी कहा है कि उन्होंने देश में बीजेपी को सबसे बड़ी पार्टी बनाकर शानदार काम किया है। बीजेपी में प्रदेश स्तर पर संगठन के चुनाव चल रहे हैं और जल्द ही राष्ट्रीय अध्यक्ष का औपचारिक चुनाव भी पूरा किया जाएगा। हमारे साथ बातचीत के लिए बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय जी हैं। कैलाश जी, कब तक राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव की प्रक्रिया पूरी होगी और क्या माना जाए अमित शाह जी को दूसरा टर्म मिलना अब तय है? नहीं, ये तो निर्णय करना हमारे यहाँ सभी वरिष्ठ लोगों का काम है, पर मेरा व्यक्तिगत राय है कि उनका काम राजनाथ सिंह जी के बचे हुए कार्यकाल में अध्यक्ष रहे और काफ़ी अच्छा काम किया, विशेषकर भारतीय जनता पार्टी को विश्व की सबसे बड़ी पार्टी, सदस्य वाली पार्टी बनाने का काम किया। एक बड़ा भी बहुत ही समर्पण भावना से वो काम हुआ है और आने वाला समय भी यदि उनके नेतृत्व में होगा तो पार्टी का विस्तार ही होगा। सर, सवाल ये उठ रहा है कि अगर आप लोग अपनी कामयाबी जहां गिनाते हैं वहीं 2015 साल आपके लिए ख़राब रहा, दिल्ली और बिहार दो ऐसी हार मिली हैं जिस पर सवाल उठ रहे हैं अब, और आपकी पार्टी के नेताओं ने ही सवाल उठाए हैं। देखिए, राजनीति के अंदर हार और जीत चलती है, इसको खिलाड़ी भावना से लेना चाहिए हमेशा, और जहाँ पर भी हार हुई है, जहाँ पर जीत हुई है, उसमें स्थानीय कार्यकर्ता और स्थानीय नेतृत्व की भूमिका सबसे ज़्यादा होती है। अब ये बात ठीक है कि जीत की जय जयकार में कई बार हमें कमियाँ नहीं दिखती और हार की हाहाकार में सब एक दूसरे के ऊपर उंगली उठाते, तो ये बहुत स्वाभाविक प्रक्रिया है। मैं ऐसा मानता हूँ कि कमिटमेंट के साथ पार्टी के अंदर काम करना, यही सबसे बड़ा मुद्दा होता है, और मैं ऐसा मान के चलता हूँ कि बहुत साहसिक निर्णय लेने की क्षमता अमित जी में है और कमिटमेंट के साथ काम करते हैं। सर, जब आप ये कहते हैं कि चाल चरित्र चेहरा और हम सबसे अलग हैं, नेशन फर्स्ट सेल्फ लास्ट, तो ऐसे में आप मानते हैं कि सबकी जिम्मेदारी, छोटा कार्यकर्ता हो बड़ा कार्यकर्ता हो, अनुशासन में रहना चाहिए? देखिए, संगठन की विशेषता यही है कि नेतृत्व भले कोई भी करे पर भारतीय जनता पार्टी में सारा काम टीम वर्क से होता है। ये माँ बेटों की या बाप बेटों की पार्टी तो है नहीं, ये पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी है। अब ये अलग बात है कि कभी कोई नेतृत्व करता है, कभी कोई नेतृत्व करता है, पर हमारे यहाँ कार्यकर्ताओं की भावना और कार्यकर्ताओं के टीम वर्क के आधार पर ही निर्णय लिए जाते हैं और काम भी होता है। जीत की जय जयकार हो या फिर हार की हाहाकार, लेकिन सवाल उठना लाजमी है, उसके बावजूद अनुशासन बहुत ज़रूरी है और अमित शाह जी के नेतृत्व पर उन्होंने भरोसा जताते हुए कहा है कि पार्टी को सबसे बड़ी पार्टी बनाया है और दोबारा भी अगर वो कुर्सी संभालेंगे तो निश्चित तौर पर पार्टी और ज़्यादा मजबूत होगी। कैमरामैन अहमद हसन खान के साथ राघवेंद्र द्विवेदी, न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया, दिल्ली।